पानीपत की तीसरी लड़ाई को पानीपत में हर वर्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते आज करनाल के गीता चौक से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह विशाल शोभा यात्रा करनाल के मुख्य बाजारों से होते हुए पानीपत के लिए रवाना हुई। यहां हम आपको बता दें कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों द्वारा लड़ी गई थी, जिसमें मराठों द्वारा अपने शौर्य का प्रदर्शन किया गया था। उसे शौर्य को याद करते हुए हर वर्ष पानीपत के काला आम पर एक विशाल शौर्य समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र से भी मराठा लोग पहुंचकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाते हैं। मराठा जागृति मंच के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शोभा यात्रा पानीपत में पहुंचेगी। यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, करनाल के सांसद संजय भाटिया, विधायक हरविंदर कल्याण, विधायक पुंडरी रणधीर सिंह और उनके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। देखिए शौर्य दिवस समारोह के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा की कुछ आकर्षक झलकियां। 14 जनवरी 1767 का युद्ध, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो किसी की हार जीत का युद्ध नहीं था। ये युद्ध देश की असीमता के लिए लड़ा गया था और हम उन्हीं मराठा के वंशज हैं जो शौर्य दिन समारोह को हर वर्ष मनाते हैं और ये काफिला निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम इस दिन को, शौर्य दिन समारोह को, हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी अहमद शाह अब्दाली जैसा लुटेरा इस देश को लूटने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर मराठे आगे नहीं आए होते तो ये देश एक इस्लामिक देश बनता और हिंदुस्तान का नाम और निशान नहीं होता। आज क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम, अभी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, उसके बाद एक पानीपत में एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर इसके मुख्य अतिथि होंगे और करनाल के सांसद आदरणीय संजय भाटिया जी हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे, रोंडा के विधायक अरविंदर कल्याण जी और रणधीर जी गोलन जो कुंडरी से विधायक है, समाज के नेता हैं, वो इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाएंगे। और ये काफिला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो पीढ़ी अपने पुरुषों से प्रेरणा नहीं लेती, अपने बलिदानों से, उनके द्वारा किए गए बलिदानों से प्रेरणा नहीं लेती, वो पीढ़ी मिट जाया करती है, वो समाज मिट जाया करता है। इसलिए हम अपने पुरुषों को पानीपत की जो काला में लड़ाई हुई थी वह श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और यही करते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।